अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एटीएम स्कीम के मुतालिक बताऊंगा जो कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप ख़ुद को किस तरह स्कैम यानी फ्रॉड से बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताएंगे कि मेरे दोस्त के साथ किस तरह स्कैम हुआ। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने अपना एटीएम कार्ड जब मशीन में एंटर किया, फिर मशीन ने उसका कार्ड पकड़ लिया। इसके बाद नामालूम शख्स यानी चोर आया, उसने मेरे दोस्त का एटीएम कार्ड निकाल कर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स यानी चोर का साथी आया, उसने मेरे फ्रेंड से इस बारे में मालूम किया और उसे बताया कि आप ये तरीका करो और अपना पिन कोड डालो, ये भी कहा कि तुम्हारा कार्ड निकल जाएगा। इस तरीके से उस स्कैमर यानी चोर ने पिन कोड नोट किया और चला गया। फिर मेरे फ्रेंड ने वो तरीका किया लेकिन कार्ड नहीं निकल आया क्योंकि पहले चोर ने निकाला था। इसके बाद मेरा फ्रेंड चला गया तो बाद में उस स्कैमर ने 50,000 रुपये एटीएम कार्ड से निकाल दिए। जब इस ट्रांजैक्शन की मैसेज मेरे फ्रेंड को आया तो इसने फौरन अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया। तो आपको इस स्कैम से किस तरह ख़ुद को बचाना है? अगर आपके साथ इस तरह हो जाए तो पहले एटीएम कार्ड को निकालने की कोशिश करें, अगर नहीं निकल जाता तो बैंक में जाए, अगर बैंक बंद हो तो फौरन अपने बैंक को कॉल करें और एटीएम कार्ड को ब्लॉक करें। ये चोर यानी स्कैमर किस तरह ये वारदात करते हैं? नंबर वन, जब बैंक की छुट्टी हो जाए। नंबर टू, हफ्ते और इतवार के दिन। नंबर थ्री, शाम के वक्त ज़्यादा ये स्कैम करते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस स्कैम से बच जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।